हम भवतारण मन भावन भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम भवतारण मन भावन भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। जयति जयति जय गौरी नंदन कोटिश तुम्हें प्रणाम। प्रेम तनय का नमन आपको भगवन आठो याम। आपको ध्याने से हर संकट टल ही जाता है। वेद पुराणों का हर पन्ना आपको ध्याता है। एक बार की बात है भक्तों आज बताते हैं। हुआ तय विष्णु का विवाह, सब हर्षाते हैं। सभी देवों को दिया निमंत्रण, सभी आए हैं। पता नहीं क्यों श्री गणेश जी को न बुलाए हैं। क्यों न बुलाए गणपति देवता, जान न चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। सब देवों ने आकर फिर विष्णु से पूछा है, क्यों ना आए श्री गणेश जी, कारण दूजा है। फिर देवों को श्री हरि ने एक बात बताई है। दिया निमंत्रण भोले को, सच बात बताई है। आना चाहे गणपति तो भोले के साथ आए। नहीं दिया है अलग निमंत्रण, विष्णु बतलाए। अगर जो आए श्री गणेश जी, भोजन क्या होगा। सवा सवा मन मूंग चावल, घी लाना होगा। दूसरों के घर श्री गणेश का खाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। सवा ही मन के लड्डू गणेश एक दिन में खाते हैं। उनकी इच्छा है आए या ना आना चाहे। तभी वहां पर बैठे किसी ने अपनी बात कही। आए गजानन रुके वो घर, लगते दरबान सही। मूसक वाहन धीरे चलता, कैसे संग आएंगे। जाएगी बारात दूर, वो पीछे रह जाएंगे। श्री गजानन आए तो दरबान बनाया है। चली गई बारात, गणेश को घर पे बिठाया है। तभी वहां पर नारद जी फिर आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये
कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, दिल मुँह मांगा वरदान। नारद जी ने गणपति को तो द्वार पे पाया है, क्यों बैठे हो द्वार, गणेश जी जान न चाहा है। बोले गणेश जी, विष्णु जी ने किया मेरा अपमान, नहीं ले गए साथ मुझे और बना दिया दरबान। बोले नारद, मूसक सेना अपनी बुलवाओ, आगे भेज के गणपति जी तुम धरती खुदवाओ। बुला के सेना, गणपति ने आदेश सुनाया है, भारत से आगे की धरती पोली करवाया है। भारत वहां से गुजरी, पहिए फिर धस जाते हैं, पावन कथा सुनाती है। संकष्टी चतुर्थी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, दिल मुँह मांगा वरदान। लाख कोशिशें की मगर ना पहिए हिलते हैं, टूट गए रथ के पहिए पर नहीं निकलते हैं। तभी वहां पर ब्रह्मा सुत नारद जी आते हैं, अपमान किया गणपति का प्रभु ने वो बतलाते हैं। अगर उन्हें आदर के साथ बुलवाया जाएगा, संकट नष्ट हो जाएंगे, फिर मंगल आएगा। शिव ने भेज के नंदी को गणपति बुलाए हैं, चंदन तिलक लगाया फिर सम्मान कराए हैं। फंसे हुए रथ बाहर फिर तो आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, दिल मुँह मांगा वरदान। टूटे हुए पहियों को जोड़ने खाती बुलवाया, काम को करने से पहले गणपति को है ध्याया। श्री गणेश की वंदना कर फिर कारज पूर्ण किया, खाती ने बतलाया देवो संकट दूर हुआ। बोला खाती, श्री गणेश को ना तुमने ध्याया, तभी तो देवो तुम सब पर ये संकट था आया। मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ, गणपति को ध्याता हूँ, संकट ना कोई आता, जीवन में हर्षाता हूँ। आप तो देवता हैं फिर भी गलती कर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, दिल मुँह मांगा वरदान। फिर तो श्री विष्णु ने अपनी गलती स्वीकारी, श्री गणेश का पूजन कर जय कहे चक्रधारी।
जय जयकार करी देवों ने फिर बारात चली। हो गई शादी लक्ष्मी हरि की हर्षित कली खिली। करके शादी सारे बाराती घर को आए हैं। करी कृपा गणपति ने अपनी सब हर्षाए हैं। देवेस कुंदन ने गणपति की महिमा गाई है। मुनंद्र प्रेम जिसुमिर शारदा कलम चलाई है। प्रेम तने श्री गणपति की जयकार लगाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी की पावन गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान।